नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, मैं आज दुबई से रिलेटेड बात करूंगा, जॉब से रिलेटेड, और वो इसलिए करूंगा कि मुझे खुशी हुई कि अभी भी दुबई, देखिए शुरू से मैं हर बार तारीफ करता हूं, दुबई जितनी बेस्ट कंट्री यूएई जितनी मुझे कोई कंट्री नहीं लगती वर्करों के लिए। बाकी तो दुबई में सब कुछ अच्छा है ही है, और अच्छा है तभी भाई 200 कंट्रियों के लोग दुबई में रहते हैं। आप सब लोगों को पता है इंडिया के भी सबसे ज़्यादा लोग दुबई में, 35-40 लाख के करीब लोग दुबई रहते हैं, तो बेस्ट है तभी रहते हैं, समझ रहे हो बात को। मैं करूँगा जॉब से रिलेटेड बात, क्योंकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, आपको पता है इंडिया आने वाले 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से 25-30% यानी 40-50 हज़ार लोगों ने बोला कि हमें जॉब नहीं मिल पा रहा है, जॉब से कंपनियों ने निकाल दिया, रिजाइन दे दिया, कंपनियों में जॉब नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मोबाइल में भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप पे, जॉब सर जॉब दिलवा दो, फलाना ढिमका, बेरोजगार बहुत है। यहाँ से काफ़ी सारे लोग गए थे, उनको जॉब नहीं मिल पाया, क्योंकि जो लोग मार्च में पहुँचे फिर कोरोना स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। अभी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जानकार बंदे थे दो, ठीक है, उनको ये यहाँ से गए थे 12 मार्च को दुबई पहुँच गए थे, और फिर 5-10 दिन के बाद में कोरोना स्टार्ट हो गया, तो उनको अभी तक वो बैठे थे, लगभग उनको 2 महीने हो गए बैठे हुए। फिर किसी कंपनी में उन्होंने अप्लाई किया एजेंसी के थ्रू, ऑफिस के थ्रू, तो साथी उनका 10 तारीख को उनका वीज़ा लग गया, इसी 10 अब मई की बात कर रहा हूँ मैं, 2 महीने बाद में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई रुकोगे, रुक जाओ, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा, मैं तो 1 महीने से बोल ही रहा हूँ। इन लोगों के वीज़ा भी लग गए, मेरे को भेज भी दिए वीज़ा, ये कंपनी में शिफ्ट हो गए, कंपनी में चले गए। इनके साथ में और भी 8-10 लड़के का जॉब लगा है, इनका रेगर का काम है, रिगर, इनका रिगर का काम है। अगर आप चाहते हो, आपके पास विजिट वीज़ा यहाँ से लेके गए थे, या आपके पास जॉब नहीं है, कंपनी ने निकाल दिया, बेरोजगार हो, इंडिया ना आके वहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं, तो भाई मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको करवा दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। लगभग 10 दिन के अंदर आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट में लग जाएगा वहाँ का। इसमें लेकिन मैं बता दूँ, रिगर का इसमें काम करना, रिगर समझते हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में जो हेल्पर काम करते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, सामान उठा उठा के डालना, वहाँ पे मशीनों के द्वारा वो काम होता है, तो वो रिगर में मतलब होता है जो मशीन को इशारा करना, समझ गए बात को, मशीन को डायरेक्शन देना सामान के बारे में, उसको रिगर बोलते हैं। तो वो इसमें जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 800 रुपये आपको 800 दुबई दराम मिलेगी, 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, 2-3-4 घंटे तक इसमें ओवर टाइम आप कर सकते हो, ठीक है, प्लस आपको खाना मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा, और मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए आप अगर 10-12 घंटे काम करते हो तो भाई 1200-1300 दुबई दराम आप कमा सकते हो, यानी ये मान लीजिए खाना मिल रहा है तो 2300-2500 रुपये तक आप इसमें कमा सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे जानकार थे, उनका वीज़ा लग गए, मैंने चेक कर लिया, 10 मई को उनका वीज़ा लगे थे, लेकिन ये वीडियो मैं 3-4 दिन बाद में डाल रहा हूँ, मैंने नहीं डाला, समझ रहे हो, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मैसेज आ रहे थे तो मैं सोचा डाल दूं। भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले, फालतू के बिल्कुल कॉल ना करें, मैसेज व्हाट्सअप पे फालतू के ना करें, भाई मैंने बता दिया, इस सैलरी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 800 प्लस ओवर टाइम मिल जाएगा, रहना खाना मिल जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। एक ऑफर इंडिया से भी मेरे पास आया कि मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप पे आया था, मेरे सीकर के ही जो मैन पावर ऑफिस है उनका, कि भाई दुबई में कोई आपके जानकार हैं तो हम वहाँ पे उनको कंपनी में वीज़ा लगवा देंगे, विजिट वीज़ा, या कंपनी छोड़े हुए हैं, ब्लैकलिस्ट नहीं होने चाहिए, ओवर स्टे नहीं होना चाहिए, अभी जो आपको पता है 2-3 महीने के अंदर अंदर का वीज़ा होना चाहिए, पहले वाला नहीं चलेगा, अभी का अंदर का होना चाहिए, उसमें भी है, उसमें रोड कंस्ट्रक्शन लेबर का काम है, सैलरी उसमें भी 800 रुपये है, प्लस खाना है, खाने का 300 रुपये उसमें दिया गया, ओवर टाइम करके भाई वही उसमें 1200-1300 रुपये सैलरी आनी है। तो अगर भाई आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो ये 2 जॉब है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे मोबाइल व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूंगा, वहाँ से ले लें आप, नीचे कमेंट ना करें, और सीरियस जो बंदे हैं 15-10 वो ही कॉल करें, मैसेज करें, भाई फालतू के कॉल मैसेज ना करें, नहीं तो मैं रिप्लाई दे पाऊँगा, और नहीं मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, समझ गए बात को। उनको लगता है कि नहीं ये अपने को शर्त मंजूर है, 100% हमें जॉब चाहिए, वो ही सीरियस होकर मैं व्हाट्सअप कर लें, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, वहाँ आप डायरेक्ट वहाँ पे मिलके अपना काम करवा सकते हैं, मेरा कोई रोल नहीं रहेगा इसमें, समझ गए बात को। मैं आपका मैन पावर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ आप जाइए, आपको अगर जचता है तो आप सेट होके अपना काम करवा लो, 10 दिन के अंदर वीज़ा लग गए, मेरे जानकार थे उनका वीज़ा लगा, मैं स्क्रीनशॉट साथ में रखूँगा आपको, आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, वीज़ा लगे हैं 10 मई के, इसलिए मैं ये बात श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि भाई वीज़ा लग जाएंगे, जिनको 100% जॉब की ज़रूरत है, इंडिया नहीं आना चाहते, वो जॉब उसमें लग सकते हैं, लेबर का जॉब रहेगा, ठीक है साथियों। जानकारी इतनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।